हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं Hyundai i20 का टॉप एंड मतलब एस्ट्रा ऑप्शन वेरिएंट। इसमें वो सारी चीज़ें सारे फीचर भर भर के कंपनी ने डाल दिए हैं जो कि आपको किसी भी प्रीमियम गाड़ी में चाहिए होते हैं। एक बार जल्दी से बताता हूं क्या क्या है भाई। 6 एयरबैग हैं इसमें 7-7 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम है सब वूफर के साथ। इसमें आपको वाइट कलर के प्रोजेक्टर कॉर्नर लैंप के साथ मिल रहे हैं। इसमें 16 इंच के अलॉय व्हील मिल रहे हैं। इसमें आपको सनरूफ मिल रही है। इसमें क्या क्या नहीं मिल रहा, एक एक करके सारी चीज़ें अंदर बाहर सब खोल खाल दिखा दूंगा। भाई फिलहाल बात करें इसकी कीमत की, सबसे पहली चीज तो वही आती है। तो ये मिल रही है आपको 9,75,000 रुपए की, 9,75,000 रुपए की एक्स शोरूम। मैं हूं इस समय बिंदल Hyundai में रुद्रपुर में। यहां पर ये पड़ रही है आपको ऑन रोड लगभग 11,22,000 रुपए की। चलो ये तो हो गई कीमत की बात। अब बात करें इसके लुक की, तो भाई धूप में क्या चमक रही है। जितनी आपको कंट्रास्ट इस गाड़ी में दिखती है ना, वो किसी गाड़ी में नहीं दिखती। रीजन है व्हाइट के साथ इसमें जो भी ब्लैक कलर है वो सब कुछ आपको ग्लॉसी ब्लैक मिलता है। देख रहा क्या चमचम चमचम सी दिख रही है, बढ़िया क्रीजेस शार्पनेस बहुत ही गजब के लगते हैं इस पर धूप में, तो खासकर क्योंकि वही क्रीजेस ऐसी छाया छाया बनते दिखते हैं। देखा साइड प्रोफाइल। तो भाई आगे हेडलैम्प की बात करें तो मिल जाते हैं आपको इस तरह से। ये है प्रोजेक्टर अपना, व्हाइट लाइट के साथ है मतलब LED के साथ है, हाई एंड लो यही काम करता है। ये हो गई अपने DRL, यहाँ पर कॉर्नरिंग लैम्प मिल जा रहा है, और ये हो गया अपना इंडिकेटर हेलोजन बल्ब के साथ। नीचे आपको प्रोजेक्टर में ही मिल जाते हैं क्या फॉग लैम्प हेलोजन बल्ब के साथ पीले पीले। ये नीचे आपको मिल जा रहा है इस तरह से लिप, क्या बात है, एक्सटेंडर कह लो, फ्रंट डिफ्यूज़र कह लो, बम्पर लिप कह लो, जो मर्जी कह लो, लेकिन क्या मस्त सी इसे शेप देता है ये। चौड़ाई सबसे ज़्यादा है सेगमेंट में इसकी 1775 mm, और जब से ये वाली शेप लॉन्च हुई है तब से ये आज तक सबसे ऊपर ही है। इतनी चौड़ी इसके बराबर आसपास भी चौड़ी कोई गाड़ी अब तक नहीं आई, क्या बात है, यही चीज़ इसे विनर बनाती है ना। आते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये है कुछ साइड से गाड़ी। टॉप मॉडल देखते ही आप बता दोगे कि भाई ये टॉप मॉडल ही है। रीज़न है ये वाले आपको व्हील इसमें मिल जाते हैं। सेक्शन की बात करें तो वो मिल जाता है आपको 195/55 R16 16 इंचर्स हैं, और उसके साथ एक आगे हो गई अपनी डिस्क ब्रेक और पीछे हो गए अपने ड्रम ब्रेक। ओके रिपोर्ट। क्रीजेस जैसे बता रहा हूँ क्या मस्त लग रही है धूप में। उसके साथ लेंथ की बात कर लेते हैं भाई, 4 meter है, 3995 mm हो गई लेंथ। उसके साथ बात करें व्हील बेस की तो वो मिलता है सेगमेंट में सबसे ऊपर 2580 mm का, 2580 mm का, और वहीं ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो मिल जाता है आपको 170 mm का, 170 mm। आगे भी आपको इस तरह से ग्लॉसी पार्ट दे रखा है ब्लैक, साइड में भी आपको ग्लॉसी पार्ट दे रखा है ब्लैक। यहाँ पर क्रोम के डोर हैंडल चमकते हुए मिलते हैं, गार्निश मिल जाती है पूरी की पूरी गाड़ी पे। देखो विंडो गार्निश मिल रही है पूरी क्रोम पे, और उसके साथ बी पिलर ब्लैक्ड आउट। इसे बिल्कुल ऐसा क्लासी लुक देता है कि आपको फील होगा कि भाई पैसे मैंने खर्च करे हैं तो वो दिख रहे हैं गाड़ी में चमकते हुए जगह जगह। ये हो गया अपना मिरर। अब भाई और मोटी सी बात है यार, इससे नीचे के वेरिएंट में अगर ऑटोमेटिकली फोल्डेबल आते हैं तो इसमें क्यों नहीं आएंगे। इंडिकेटर आपको साथ में दिया हुआ है। तो ये हो गया साइड प्रोफाइल से गाड़ी, और ऊपर देखो क्या चमक रहा है भाई, सनरूफ वनरूफ सब सेट है। ठीक, अब आते हैं रियर की तरफ। तो ये है कुछ रियर से प्रोफाइल, वहाँ पर भी i20 लिखा है देखो ये रहा। ठीक, यहाँ पर भी छोटा छोटा i20 लिखा है, ये देखो ये रहा। और एक और चीज़ आगे दिखाई नहीं ना मैंने आपको, देखो यहाँ पर भी आपको i20 लिखा हुआ दिख रहा है। छोटी छोटी डिटेलों पे काम करा है कि जगह जगह आप i20 नाम ही जपते रहो। ये है रियर का मामला। रियर में टॉप मॉडल है तो टॉप मॉडल जैसा ही लुक मिलेगा, और एस्ट्रा में आपको यहाँ पर एस्ट्रा लिखा हुआ मिल जाएगा इस तरह से जेड शेप में। ये ऑलवेज ऑन मोड पे, जैसे ही अपने हेडलैम्प ऑन करते हैं ये इस तरह से जलती हुई दिखती है मस्त, इधर भी रात को बढ़िया लगती है। स्टॉप लैम्प ये हो गया अपना सीधा सीधा, ब्रेक लगते ही दबेगा, ये हो गया इंडिकेटर, और ये हो गया अपना रिवर्स लैम्प। ओके रिपोर्ट। एक दो पॉइंट मिल रहे हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर। नीचे आपको मिल जाता है इस तरह से कैमरा, और ये ऊपर हो गया अपना वाइपर डिफॉगर। ये तो भाई टॉप मॉडल है, मिलना ही मिलना है। ऊपर हो गया हार्मर स्टॉप लैम्प, और वहाँ हो गया शार्फिन एंटीना, और पीछे आपको मिल जाता है इस तरह से रियर का डिफ्यूज़र बम्पर पे लगा हुआ। यहाँ पर आ जाते हैं तो ये मिल रहा है आपको, देखें लॉक है भाई अंदर से भी। तो ये टैंक कैपेसिटी की बात कर ले, पेट्रोल ओनली है, 37 liter की आपको कैपेसिटी मिल जाती है 37 liter की। चलो अब आ गई बात अंदर की। अब अंदर के लिए चाहिए अपन को हमेशा की तरह चाबी। चाबी आपको मिलती है कुछ प्रीमियम सी ये वाली, ठीक है। और इसमें 4 button दिख रहे हैं आपको, जिससे पता लग रहा है भाई टॉप एंड ही है। पहला बटन हो गया लॉक करने का, ये पी करके हो गई अपने फोल्ड। उसके साथ ये हो गया अपना पी करके हो गया अनफोल्ड। उसके साथ तीसरा बटन है, इसको होल्ड करके रखेंगे जो बूट है अपना वो अनलॉक हो जाता है। और चौथा भी बटन इसमें दिया हुआ है, वो है इसको लोकेट करने का। देखो क्या बात है, पी करके ये आपको पार्किंग में बता देगी मैं यहाँ हूँ मुझे देख लो। ठीक है भाई, इसको आप अनलॉक करके एक बार चलते हैं ज़रा अंदर। हो हाथ लगाते कितना फील भाई, क्या अलग ही प्लेजर सा मिल रहा है इसको टच करने में, बहुत चिकना चिकना था। ये है कुछ इसका इंटीरियर में आप देख रहे हो इस तरह से आपको मिल जाती है यहाँ पर ये फिनिश, जो कि हल्की हल्की ग्रे जैसे साटन फिनिश। बाकी आपको इंटीरियर
कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट ब्लैक ही मिलेगा, स्पोर्टी नेचर देता है ना। इसको एक बार रखते हैं चाबी को यहाँ पर। तो भाई सॉफ्ट टच का ही नहीं, सॉफ्ट टच देना चाहिए था। यहाँ पर आ जाते हैं तो चारों की चारों पावर विंडो हैं और ड्राइवर साइड ऑटो अप ऑटो डाउन है। ये हो गया मिरर को फोल्ड करने के लिए, जैसे कि हो गई है, और यहाँ पर हो गया मिरर को एडजस्ट करने के लिए। नीचे बॉटल होल्डर है और बोस लिखा हुआ आपको यहाँ दिख रहा है, देख रहे हो, बोस ऐसे नहीं लिखा, बोस के म्यूजिक सिस्टम है। और 1 2 3 4 स्पीकर, 5 6 दोनों ट्विटर हो गए, ठीक है, 6 और 7 में एक आया अपना पीछे डिग्गी में रखा हुआ है भाई सबवूफर, वो भी मिल जाता है। मतलब टोटल 7 स्पीकर का सेटअप मिल रहा है। अगर सीट की बात करें तो सीट मिल जाती है, इस तरह से सीट कवर लगे होना चाहिए थे क्योंकि टॉप एंड है, थोड़ा प्रीमियम ना सोनी चाहिए थी ना। यहाँ पर आ जाता है तो एयरबैग आपको इसमें मिल जाते हैं 6 6, बिल्कुल 2 फ्रंट में, 2 सीट के साइड में और 2 कर्टेन एयरबैग। सीट हाइट एडजस्टमेंट मिलती है और उसके साथ जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। जरा इसमें बैठते हैं अपने और आपको दिखाते हैं अंदर के नज़ारे। इसको किया बंद और चाबी को रख देते हैं कहाँ पर, यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर इसीलिए नहीं रख रहे क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ इसमें भाई वायरलेस चार्जर कूलिंग पैड के साथ, और कभी भी जो इस तरह की चाबियाँ होती हैं अपनी रिमोट वाली, उनको भाई वायरलेस चार्जर पे नहीं रखते। ये थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूँ, ले लो काम आता है। ओके रिपोर्ट। चलो भाई एक बार बटन को दबाते हैं इसको यहाँ और जगमग कर देते हैं। ओहो हो के करके हो गया स्टार्ट अपना, मस्त सा दिखता हुआ पूरा का पूरा। यहाँ पर क्लस्टर डिजिटल है, एक बार एसी भी चला लेते हैं ऑटोमेटिक जो ठहरा, ये देखो जैसे ही दबाया। ओहो भाई 12 बजने को आए, मैडम ने करा है गुड मॉर्निंग, सीट बेल्ट की हमें याद दिला दिया। इसको थोड़ा सा कम करते हैं और इसको कर देते हैं टेम्परेचर को लो पे बिल्कुल, क्योंकि तप रही है गाड़ी। ओके रिपोर्ट हो गई यहाँ की। और हाँ जो मैडम ने बोला है तो बता दे भाई, इसमें आपको ये पूरा 10.25 इंच का स्क्रीन मिल जाती है। जो भी आपको इसमें फ़ीचर चाहिए जैसे कि इनबिल्ट मैप्स हुए, उसके साथ टेलीमेटिक फीचर हुए और उसके साथ एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। बाकी देखने में भी बढ़िया सा लगता है ना, बिल्कुल ऐसे लंबी सी वाइड स्क्रीन जैसी। बाकी आते हैं यहाँ पर तो स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है लेदर रेड पूरा बटरफ्लाई स्टाइल में। हॉर्न पोंपो वाला है, सिंगल पोंपो। उसके साथ ये हो गए अपने म्यूजिक प्लेयर में उंगलीबाजी करने के लिए, बाकी ये वॉइस कमांड और इसका टेलीफोनी का कंट्रोल। यहाँ पर आता है तो ये मिल रहा है, अरे टिकटॉक क्यों हो रही है, हाँ बंद कर दिया। यहाँ पर आ जाता है तो ये हो गया अपना क्रूज कंट्रोल, और यहाँ पर ये क्लस्टर को चेंज वेंज करने के लिए, बाकी इन्फॉर्मेशन देखने की। देखो इसको ओके दबा के रखते हैं, ये अपना यहाँ पर हो जाएगा ओके रिपोर्ट, यहाँ हो गया ठीक है। अब उसके बाद ये देखो इन्फॉर्मेशन चेंज होती जा रही है, माइलेज वाइलेज दिखा रहा है, बाकी इसके साथ ही हो गया पूरा वो दिख रहा है डायरेक्शन वगैरह किस साइड हमारी गाड़ी खड़ी है, और उसके साथ ही हो गया अपना TPMS। यहाँ पर आ जाता है अपना पूरा स्पीडोमीटर, इसमें उल्टा दिया हुआ है, मतलब इस साइड है स्पीडोमीटर, इधर ही है। जनरली हम देखते हैं यहाँ पर टैको होता है, इधर स्पीडो, कोई बात नहीं आदत इसकी डाल लेंगे, कुछ ना कुछ हटके तो करना ही है काम, तभी पसंद आएगा दुनिया को। ये हो गया अपना स्पीडोमीटर और ये हो गया अपना टैकोमीटर। अभी देखो 700 RPM पे देखो, ओहो भाई 3000-4000 पे ले जा रहा हूँ, फिर भी अंदर ज़्यादा हल्ला नहीं आ रहा, मस्त। बीच में आपको दिखी गया इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल रही है, ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गई ओडो। चलो भाई एक बार इसका एडजस्टमेंट देखें, ठीक है, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी है, बहुत सही। यहाँ पर अपना हो गया हेडलैम्प जो कि ऑटोमेटिक है, बाहर जो हेडलैम्प थे वाइट वाइट LED वाले ऑटोमेटिक हैं, और उसके साथ ये हो गया वाइपर जो कि मैनुअल है। यहाँ पर आ जाते हैं तो ये आपको मिल रहा है भाई व्यू, इस व्यू को अगर दबाते हैं ना तो आपको पीछे का कैमरा चलता हुआ दिख जाता है। अभी यह हैंड ब्रेक लग रही है, हैंड ब्रेक को मैंने हटाया और अब देखना, अरे बस ठीक है गाड़ी चल पड़ी। ये मैंने दबाया और ये यहाँ पर व्यू आ गया पीछे का, भाई चलती चलती गाड़ी में आप ये पीछे का व्यू देख सकते हो, ड्राइवर रियर व्यू कैमरा इसको नाम दिया गया है। ओके भाई तो उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, ये हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, और उसके साथ ये हो गया यहाँ पर अपना क्या हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए। बाकी इस तरह से आपको मस्त सा प्रीमियम सा इंटीरियर मिल जाता है, ये आपको बताई दी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, 12 वोल्ट का सॉकेट ही हो गया 120 वोल्टेज कैपेसिटी के साथ। उसका साइड में ये हो गया चार्जिंग के लिए USB, ये हो गया USB इसमें कुछ भी इनपुट करने के लिए। उसके साथ ये बताई दिया आपको कूलिंग पैड के साथ वायरलेस चार्जर है, 5 स्पीड का गियर बॉक्स है जो कि लेदर रैप्ड पे प्रीमियम सा ये, और देखो रिवर्स लगाया और रिवर्स गाइडलाइन भी इसमें आती है अपनी जैसे कि आ रही है, और मूविंग है, हाँ भाई मूविंग है, ट्रैजेक्टरी के साथ बताता रहता है। चलो भाई यहाँ पर आते हैं तो ये मिल रहा है आपको कप होल्डर, और यहाँ पर अपना जो अंदर की भाई हवा हुआ है ना, आबो हवा को शुद्ध रखने के लिए ये आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखो यूनिट वूनिट भी दिख रही है, इसको बंद कर सकते हैं इस तरह से, अच्छा हुआ नहीं बंद, बंद हो गया ये रहा, इसको चलाएंगे अगर ये चल गया तो इस तरह से एयर प्योरीफायर भी मिल जाता है। बाकी आर्मरेस्ट है सॉफ्ट टच के साथ है, अंदर आपको स्पेस मिल जाता है,
ठीक है। उसके साथ यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर बटन बटन दिख रहे हैं भाई, ब्लू लिंक का निशान दिख रहा है क्योंकि इसमें टेलीमैटिक्स मतलब ब्लू लिंक जो इनके हैं ह्यूंडई वालों के अपने फीचर वो मिल जाते हैं। और बाकी ये टोइंग का वन टच सीधा असिस्टेंस मिल जाएगा आपको, SOS का एक बार में इमरजेंसी कॉल ऑल लग जाएगी, मतलब बढ़िया है। यहाँ हो गया डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल जो कि ऑटो डिमिंग होना चाहिए था। उसके साथ यहाँ पर आ जाता है तो ये हो गया अपना, ठीक है। इस तरह से मिल जाता है मस्त सा अंदर ग्लास होल्डर, ये है यहाँ पर लैंप और ऊपर सनरूफ के लिए सिस्टम दे रखा है। इसको हमने खोला, ये साथ के साथ लेकर चला गया पूरे का पूरे ब्लाइंड को। अरे और भी तो जाएगा, हाँ ठीक है ये हो गया। अब इसको करते हैं बंद और उसके साथ इसको हाथ से कर देंगे अपने बंद। चलो भाई सेट हो गई, ठीक। यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर हो गया अपना मिरर, और यहाँ पर आता है तो यहाँ पर हो गया अपना टिकट होल्डर। चलो यार इस तरह से हो गया आगे का पूरा माहौल सेट यहाँ। हाँ कोल्ड ग्लव बॉक्स भी आपको इसमें मिल जा रहा है। चलो इसको कर देते हैं हम अपने गाड़ी को बंद एक बार दबा के। अब चलते हैं जरा पीछे, पीछे आपको दिखाते हैं माहौल सेवा क्या क्या मिल रही है हमें। चलो इसको किया यहाँ से बंद, और ये मिल रहा है आपको यहाँ पर कुछ डोर ट्रिम, पूरा पूरा ब्लैक है, वही एक ही अलग सा कलर दिख रहा है सिर्फ जो स्लेटी सा है मैट फिनिश में। नीचे आपको बोस की ब्रांडिंग के साथ मिल जा रहा है स्पीकर, और ये हो गया वाटर होल्डर। यहाँ पर आते हैं तो ये मिल रहा है अंदर अथा स्पेस, बहुत ज़्यादा भाई चौड़ी सीट है। रीज़न है गाड़ी की चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है, 1775 mm। हेडरेस्ट आपको दो मिल जाते हैं एडजस्टेबल, और एक बार देखें स्प्लिट सीट ऑप्शन नहीं भाई, स्प्लिट सीट ऑप्शन इसमें नहीं मिलता, पूरी की पूरी सीट अपनी फोल्ड होगी, लेकिन आपको आर्मरेस्ट ज़रूर मिल जाता है। पीछे आपको इस तरह से AC वेंट्स मिल रहे हैं, नीचे फ़ोन वन रखने की जगह, और उसके साथ नीचे रख रहा है USB चार्जिंग के लिए, तभी तो फ़ोन यहाँ रखोगे। और पीछे भी इस तरह से लैम्प मिल जा रहा है, आगे भी लैम्प मिल रहा है। चलो भाई इस तरह पूरा का पूरा अंदर एरी सा है, हालांकि डार्क कलर है तो थोड़ा सा आपको लगेगा भाई अंधेरा सा, लेकिन यही तो फील है इस ब्लैक कलर का। इंटीरियर ब्लैक में मज़ा सा बड़ा आता है, लेकिन कई लोग कह देते हैं कि भाई हमें यार अजीब सा लग रहा है, कहते ना अजीब सा हो रहा है, ये आ गया अपना अजीब सा नहीं बहुत बढ़िया 311 लीटर का बूट स्पेस। यहाँ पर बोस की ब्रांडिंग जैसे मैंने बताया, तो सब वूफर आपको मिल जाता है, और अपना पार्सल ट्रे के साथ टिच करके ये यहाँ पर हुक दे दिया पूरा, ठीक है। एक बार अंदर भी झांक लें, अपना जो स्टेपनी है वो मिल रही है अपन को, कहाँ गया 185/65R15 इंच की। चलो भाई इसे करते हैं अपने यहाँ से बंद। अब आती है बात इंजन बे की, अब डीजल वीजल की तो कहानी रही नहीं है, अब आपको पेट्रोल ही मिल रहा है, और ये है अपना नेचुरली एस्पिरेटेड जो जान है, मतलब बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है 1.2 लीटर वाला यहाँ पर, ये देखो ठीक है। इस तरह 1200 cc का है और 4 सिलेंडर है। बात करें पावर की तो देता है आपको मोटा मोटा 84 bhp की, वहीं टॉर्क की बात करें लगभग 114 Nm का आपको मिल रहा है। बढ़िया रिफाइंड है, शांत है बहुत, और अब RDE नॉर्म्स को कंप्लाई करता है, मतलब जो रियल टाइम ड्राइविंग एमिशन है, और उसके साथ E20 फ्यूल को भी ले लेगा हंसी खुशी राजी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है। ये दी हुई है आपको ABS+EBD यूनिट, और ABS+EBD के साथ साथ इसमें ESP भी है, इसमें हिलोल्ड कंट्रोल भी है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, सारी चीज़ें आपको डाल दी हैं। अब बात आती है देती कितना माइलेज वालेज क्या है, तो 20.3 का माइलेज कंपनी क्लेम कर देती है इसमें, 20.3 का, जो कि अपने आप में यार प्रीमियमनेस के साथ अगर 20-20 के माइलेज मिल जा रहे तो और चाहिए क्या। तो भाई इस तरह से थी अपने पास टॉप मॉडल 2023 का Hyundai i20 Astra ऑप्शन। कीमत की बात करें 975,000 रुपये, बेसिकली प्रिसाइजली अगर कहें तो 974,900 रुपये एक शोरूम है, और मैं हूं समय बिंदल Hyundai, यहां पर ही आपको पड़ रही है रुद्रपुर में उत्तराखंड में, मोटा मोटा 11,22,000 रुपये की ऑन रोड। तो इस तरह से थी गाड़ी, इस तरह से थी वीडियो, आपको कैसे लगी बताना जरूर। आपको वीडियो अच्छी लगी, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार समय चैनल को। जय हिंद।